बहुत लोग थे मेरे आसपास, बहुत लोग थे मेरे आसपास, पर मैं अकेला था। सब मिल रहे थे मुझसे, पर मैं किसी को तलाश रहा था। सब मुस्कुरा रहे थे, पर मैं उदास था। सब मुझे जानते थे, पर मैं सबसे अनजान था। सब बात कर रहे थे मुझसे, पर मैं चुप था। हर लम्हा जिंदगी बढ़ रही थी, हर लम्हा जिंदगी बढ़ रही थी, पर मैं रुक सा गया था। क्या आप जानते हैं, वो जो चुप था, वो जो उदास था, वो जो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो जिसको किसी की तलाश थी, वो सब में अकेला था, वो कौन था? वो सामने बैठे हर उस इंसान के दिल का सुकून था, जो वो बरसों पहले अध खुले दरवाजे के पीछे नम हुई आंखों के पास और इंतजार करते चेहरे के पास छोड़ आया था। जी हाँ, वो हर उस इंसान के दिल का सुकून था। कहते हैं, पलक से गिरा है फिर आज पानी, पलक से गिरा है फिर आज पानी, शायद कोई तमन्ना पुरानी पिघल रही होगी। जी हाँ, आज जब मैंने ये शुरुआत की कुछ पुराने दरवाज़ों पर दस्तक देने की ज़रूरत तो की है, बहुत से लोग शायद मेरी इस बात से आज गवारा भी ना हो। मैं चाहती हूँ कि आओ आज दिल की ओपन स्टेज में उन दरवाज़ों पर दस्तक दें, उस दहलीज के पीछे जाकर देखें जहाँ हम बरसों पहले अपने दिल के सुकून की अमानत को छोड़ आए थे। ज़रा जाने तो सही कि वो दिल आज भी कहीं भटक रहा है, या फिर उस नादान दिल को वक्त ने हमारी तरह अपने साथ चलने पर राजी कर लिया है। सुकून की नींद कहीं खो गई है, सुकून की नींद कहीं खो गई है, पैसा और वक्त उसे ढूंढने गए हैं। आज हम बात कुछ वादों की कर रहे हैं, कुछ दिल के सुकून की कर रहे हैं। कहते हैं कि इरादे और वादे में जो सबसे बड़ा खलनायक होता है वो होता है वास्ता, और अगर वो वास्ता जिंदगी देने वालों का हो तो जो आपके सुकून की अमानत है वो तकिए पर आंखों से बहते पानी पर की तरह बह जाती है। और हमें ये लगता है कि वो जो सामने वाला है वो शायद पत्थर है, जिसे आज तुमने पत्थर बना दिया वो कभी मेरा दिल हुआ करता था। मैंने कब कहा कि वो मिल जाए मुझे, मैंने कब कहा कि वो मिल जाए मुझे, बस गैर के ना हो जाएं इतनी सी हसरत थी। बात जब हम दिल की कर रहे थे और बात जब हम वादों इरादों की कर रहे थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहें, हम जिसे पसंद करें या जो हमें पसंद करे या जो हमें चाहे वो हमेशा हमें मिल जाए। लेकिन अगर वो ना भी हमें मिले और फिर हम उसे चाहना छोड़ दें, ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं।